तो कई लोग पूछते हैं कि कनाडा में रेगुलर प्रोग्राम के अलावा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, एक और रूरल और नॉर्थन इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम शुरू हुआ है, उसके बारे में बताएं और उसके बारे में बताएं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो प्रोग्राम आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। स्क्रीन पे देख रहे हैं लिखा हुआ है गाइड 0118। बाय द वे, ये सारी इंफॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे भी टाइप करके आप ढूंढ सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लें, आ जाएगा। कोई सीक्रेट नहीं है, जितना इमिग्रेशन लॉयर्स को पता है उतना ही आपको पता है। इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा खुलासा कर रहा हूँ, और मेरे पास कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इतनी इन्फॉर्मेशन आप भी इनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। और गाइड 0118 पे नीचे हम जाते हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें, इसका बैकग्राउंड क्या है। ऊपर लिखा हुआ है कनाडा इनकरेजेस एप्लीकेशंस फॉर पीआर फ्रॉम पीपल फ्रॉम एबिलिटीज एजुकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस दैट विल कंट्रीब्यूट टू कैनेडियन इकॉनमी। दिस इज़ अ कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम, इट इज़ डिजाइन टू स्प्रेड द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक इमिग्रेशन स्मॉल कम्युनिटी। इसका जो सिंपल सोर्स की लैंग्वेज में, हिंदी में, इसका मतलब यही है कि बड़े बड़े शहरों की बजाय छोटे छोटे जो गाँव में, जो कनाडा के गाँव और छोटी कम्युनिटी जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने एक इमिग्रेशन प्रोग्राम चलाया हुआ है कि लोग बड़े शहर से निकल के छोटे गाँव में जाके रहना पसंद करें और वहाँ उनको जॉब होती है, सेटलमेंट होती है, तो हम पीआर देते हैं। कहाँ कहाँ पर होती है, कुछ जगह के नाम लिखे हैं, ये जगह लाभ के नॉर्थ बे, सडबरी, टिमेंस, सॉल्ट सेंट मैरी, थंडर बे, ओंटारियो के ये पांच हैं, ब्रैंडन, मैनिटोबा, अल्टोना, मैनिटोबा, मूसजॉ, सैस्कैचुअन में, एल्बर्टा में, मेरी सूबे में क्लैशोम, वर्नॉन बीसी, और एक बीसी में बेस कुटने। तो इनको आप डायरेक्टली गूगल पर टाइप करके इन गाँव के बारे में पता कर लें कि भाई इन गाँव में कितने लोग रहते हैं, क्या जॉब्स हैं वगैरह वगैरह, सारा देख लें, ठीक है। तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इसकी ये है कि आपके पास, पहली बात तो ये है, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए इस गांव में रहने की। अगर आप सोचे कि इस गांव में रहने के बाद आप वहां पर कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों में वहां से 9-2-11 होके कोई बड़े शहर में चले जाएंगे, तो ये आपके लिए नहीं है। इसको मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए विद इन द लास्ट 3 ईयर्स, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी नौक में आप, इनफैक्ट नॉट ONB, किसी भी नौक में होना चाहिए, तो वो 1 साल एक्सपीरियंस है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं काम आएगा इसके अंदर। जब कई लोग कहते हैं मेरे मेरे पास के इंडिया में मैं जी लॉयर था, इंडिया में मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरे पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का था, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पर काम नहीं आएगा। और फुल टाइम का यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है। आपको जॉब ऑफर चाहिए, जॉब ऑफर चाहिए किसी एम्प्लॉयर से जो उस गाँव में रहता हो, ठीक है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है और यही यहाँ पर दिक्कत वाली बात है। लोग कहते हैं भाई जॉब कैसे मिलेगी, अब जॉब ढूंढना तो आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पे ही पड़ेगा। यू मस्ट हैव अ जॉब ऑफर डेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर कैरीज ऑन बिजनेस कम्युनिटी फुल टाइम एंड नॉन सीजनल फॉर एन इनडिटर्मिनेट पीरियड नो एंड डेट एट द सेम स्किल लेवल, वन लेवल अबव और वन लेवल बिलो NOC दैट अप्लाइज टू योर वर्क एक्सपीरियंस। आपके जो वर्क एक्सपीरियंस है उससे 1 लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखें, अगर आपके पास अगर ओ का एक्सपीरियंस है, तो ओ का छोड़ दें आप, चलिए से आपके पास बी का एक्सपीरियंस है, तो ए बी सी में है, तो डी डी का जरूर नहीं हो आपके पास एक जॉब ऑफर, तो अच्छा है। तो ये इसका जॉब ऑफर का ये है। वर्किंग इन कैनेडा में देखें, एम्प्लॉयमेंट वो तो ठीक है, रेगुलर चीज़ है, आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं कि यू मस्ट मीट द एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स। बेटर है कि ऐसा जॉब ना हो जिसके लिए लाइसेंस चाहिए, जैसे नर्सेज, इंजीनियर्स, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट वो डाल देंगे, तो उसमें आप ना ही जाएँ। नॉन रेगुलेटेड है, इसमें नो लाइसेंस चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसमें इसका भी कोई चक्कर नहीं है, जो नॉन ट्रेड जॉब्स हैं उसमें कोई चक्कर नहीं है ऐसा। ये बात है, असली बात है। रिकमेंडेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिस गांव से, जिस एरिया से आप ले रहे हैं, उस वहाँ से जॉब ऑफर ले रहे हैं, तो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, वहाँ से आपको एक रिकमेंडेशन लेटर लेना पड़ेगा कि भाई वो आपको सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो उसकी एक अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग प्रोसीजर है, और उनको कॉन्टैक्ट करके आपको करना पड़ेगा। तो पहले ये देख लेते हैं ये कौन से कौन कौन सी कम्युनिटीज़ में इसके वो दिए होंगे नाम, तो इसका ये देख लेते हैं एक सेकेंड। तो वो जो छोटे छोटे जो कम्युनिटीज़ के नाम लिखे हुए थे ना, उनमें उनकी वेबसाइट के भी लिखे होंगे, रेफरेंस लिखे होंगे, तो कुछ के लिखे हैं, कुछ के नहीं लिखे हैं। और देखें आप ऊपर सॉल्ट सेंट मेरी का लिखा हुआ है, थंडर बे का लिखा हुआ है, और अल्टोना मैटो का लिखा हुआ है, तो उसके आप बेस पे आप कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसा करते हैं, थंडर बे का देखते हैं, थंडर बे पे क्या है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको पता लग जाएगा थंडर बे में क्या है। और इनकी वेबसाइट दी होगी, लोड कर रहा है,
मी सी, यार ये को ये वेबसाइट है थंडर बे की, जो एक छोटा सा एक वहाँ एरिया है जहाँ पर वो आपको क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसमें देखें नीचे क्या लिखा है, थोड़ा सा लिखा हुआ है इसमें रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, और यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनफैक्ट जॉब्स वगैरह भी लिखी होंगी, अगर जॉब्स वगैरह अगर उनके पास हैं तो वो भी शायद लिखी होंगी। सो विजिट एम्प्लॉयर पेज एंड यू नो, सो आपको उस वेबसाइट पे जाके, उनकी जो कम्युनिटी की वेबसाइट है उस पे जाके उनको डायरेक्टली अप्रोच करना है, और वहीं से उनको कॉन्टैक्ट करके उनसे रिकमेंडेशन लेटर लेना है। तो ये है असली बात। और जॉब्स देखें, अगर जॉब्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से जॉब्स अगर हैं तो नहीं है, ये देख लेते हैं। इसमें सब कुछ यहाँ पर दिखा हुआ है, टू क्वालिफाई फॉर ये एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स, वो सब ठीक है। अगर कहीं जॉब्स का पता लग जाता है ना कि जॉब्स कौन सी अवेलेबल हैं, तो वो देखते हैं कहीं जॉब्स का कोई पता लगे उस एरिया में कौन सी जॉब चल रही हैं। इन्होंने पहले ही इस पर एक वो डाल दिया है एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि वी करंटली डू नॉट हैव एनी जॉब वैकेंसीज पोस्टेड, सो अगर होती तो यहाँ शो कर देते, तो जब होंगी तो इस एरिया पे आप देख सकते हैं। तो यू नो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, बट दे आर करंटली दे आर नो जॉब्स अवेलेबल। जैसा कि हमने देखा कि उसमें जॉब्स का अभी नहीं है, अगर आपको जॉब्स नॉर्मली अगर आप उस एरिया में हो, जॉब्स आपको मिलती है तो आप उनसे अप्लाई करके पूछ सकते हो कि भी जॉब क्वालिफाई करती है कि नहीं करती। तो रिकमेंडेशन आपको लेना है इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। अगला जो उसका जो क्राइटेरिया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको एक एग्जेम्पशन है, उनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है, स्टूडेंट्स अगर उस एरिया में पढ़ रहे हैं या उस एरिया में उनको जॉब मिल रही है, जॉब ऑफर मिल रही है, तो उनको वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस अपने रिक्वायरमेंट दिखा था ना, वो इसमें नहीं है। तो इसमें बहुत क्लियर है, इफ़ यू इंटरनेशनल स्टूडेंट हु ग्रेजुएट विद डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ट्रेड क्रेडेंशियल फ्रॉम कैनेडियन लोकेटेड इन द कम्युनिटी, उसी एरिया में होना चाहिए कॉलेज जहाँ से जहाँ पर आप वो कर रहे हो, जैसे थंडर वे हैं तो थंडर वे के कॉलेज से होना चाहिए। तो आपको वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मिनिमम 2 साल का क्रेडेंशियल होना चाहिए, एंड यू आर स्टडिंग फुल टाइम फॉर द फुल ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स, रिसीव द क्रेडेंशियल विद इन 18 मंथ्स बिफोर एप्लीकेशन फॉर PR, पिछले 1.5 साल के दौरान आपको मिलना चाहिए क्रेडेंशियल, और आप उस कम्युनिटी में आपको मिनिमम 16 मंथ्स ऑफ द लास्ट 24 मंथ्स मस्ट बी स्पेंट स्टडिंग टू ऑब्टेन योर क्रेडेंशियल। मतलब वो देख रहे हैं कि आप उस एरिया को बिलोंग करते हो नहीं करते हो, ऐसा नहीं है कि आप फ्लाई करके बाहर से आ गए, आप बोले कि भाई सडनली मैं आ गया, मैंने अभी डिप्लोमा करना मेरे को दे दो। तो आपको ये रिक्वायरमेंट आपको चाहिए कि मिनिमम आपको 2 साल की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए क्रेडेंशियल वाली, और आपको विद इन द लास्ट 18 मंथ्स में इशू होना चाहिए, और एटलीस्ट 16 मंथ्स आपको उसमें रह के दिखाना चाहिए कि आप उसमें रह चुके हो। और मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री तो दैट्स फाइन, यू कैन अप्लाई क्रेडेंशियल फॉर प्रोग्राम स्टडी। सो इंग्लिश को हटा के और डिस्टेंस नहीं है, सो ऑफकोर्स दिस इज ऑल इज सो सो बेसिकली अगर आप उस एरिया में पढ़ रहे हो, आपको वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट एग्जेम्प्ट है। ऑलराइट, सो इन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स यू नो फाइन, दैट्स प्रीटी मच आई थिंक सिंपल। हाउ मच डू द रिक्वायर मिनिमम, और दैट अप्लाइज फॉर द ना, उसकी जो भी जॉब कैटेगरी उस इंग्लिश चाली होगी वो उसके लिए होगा। सो मिनिमम आई डोंट नो व्हाट द मिनिमम इज, बेस्ड ऑन द जॉब इटसेल्फ इट दे विल टेल यू व्हाट द मिनिमम इज। सो फंड्स चाहिए, वो चाहिए, वो तो जस्ट रेगुलर चीज़ें, दैट्स ऑल इट इज़। सो बेसिकली आपको एक जॉब ऑफर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दैट्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू If you apply and that's it, it's pretty much it. So this is it. It's pretty simple. Type करें आपके स्क्रीन पे, गूगल पे टाइप करें गाइड 0118 रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, यू विल सी। कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो जरूर आप टाइप कर दें और दोस्तों को बताएं, स्पेशली स्टूडेंट्स को जो उस एरिया में रह रहे हैं, और वो जरूर अप्लाई कर सकते हैं इसको। जो कुछ इसमें एरिया में अब आप देखें, अगर आपको इंडिया से आ रहे हैं तो आप पहले अगर आपको कॉलेज सर्च कर रहे हैं, कोई कहता है कि ओंटारियो जाना है, तो ये जो ओंटारियो के जो रीजन्स बने हैं इसमें आप कॉलेज देखें, इसमें कॉलेज देखेंगे दोस्त, अगर प्रोग्राम करेंगे तो आपका काम बन सकता है। यहाँ पर बड़े शहर टोरंटो टोरंटो में जाने की जरूरत नहीं है अनलेस देयर सम रीज़न, बाकी इन शहरों में अगर आप कोई कॉलेज करेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड कॉमेंट्स जरूर डालें, लोगों को जरूर बताएँ।